फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मज़े में हो गए और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव और अकेला फ्रेंड्स हो ना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट? और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे अगले 6 आवर्स, ओके? नेक्स्ट 6 आवर्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या कुछ हो सकती है, आपके लिए वो क्या कुछ सोच सकते हैं, ठीक है? अभी से लेके जब तक जब आप इस रीडिंग तक पहुँचोगे तब से लेके आगे के 6 घंटों के लिए एनर्जी रहेगी, ठीक है? तो इसका मतलब ये टाइमलेस रीडिंग ही है। जब आप इस वीडियो तक पहुँचोगे वहाँ से 6 आवर्स तक आप ये काउंट कर सकते हो, ये आपके पार्टनर सोचेंगे आपके लिए, ठीक है? देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। आपको ओपन माइंडेड रीडिंग को देखना है कि तभी रन नहीं देना है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात को आपको सीरियसली नहीं लेना है, ठीक है? जो रेजोनेट होता उसे रखे और जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए, ठीक है? और वेट बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो आपके पार्टनर के एक्शन का, बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है? कुछ भी आपको रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं इस वीडियो का, जो कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट भी होती है लेकिन आउटकम आपसे मैच नहीं होता है। तो यस, डेफिनेटली आपको पर्सनल रीडिंग करा लेनी चाहिए। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है, ठीक है? आपको नंबर पर कॉल नहीं करना है, आपको सिर्फ व्हाट्सएप पर हाई करना है, ठीक है? हाई करने पर आपको डिटेल्स मिल जाते हैं रीडिंग से रिलेटेड। देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है आपके पार्टनर की फीलिंग्स नेक्स्ट 6 आवर्स के लिए। अगले 6 घंटे आपके पार्टनर क्या कुछ सोचेंगे, ओके? ब्रेक थ्रू, इसको मैंने रख दिया था फिर भी वापस आ गया है, यहाँ पे रख देते हैं हम कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है? गाइड करिए नहीं, हमें बता यहाँ पे थंडरबोल्ट क्यों है, क्यों इनके पार्टनर इतने मुझे तकलीफ में नज़र आ रहे हैं अगले 6 घंटों में। थंडरबोल्ट क्यों है यहाँ पे? ओ फिर से नेगेटिव, वाह, थंडरबोल्ट को क्लैरिफाई किया है टावर ने, ओके। टावर क्यों है यस, गाइड करें हमें यहाँ पे टावर क्यों है। आई होप आपको कार्ड दिख रहे हैं, स्ट्रेंथ और यहाँ पे ब्रेक थ्रू क्यों है, हमें बताइए यूनिवर्स यहाँ पे ब्रेक थ्रू क्यों है। बॉटम में ही देख ब्रेक थ्रू, यहाँ पे द वर्ड एडवेंचर, ओके, टोटैलिटी, थर्ड पार्टी और यहाँ पे बॉटम है नाइट ऑफ पेंटाकल्स। तो यस, दिल से आपके पार्टनर जो अगले, और यहाँ पे स्ट्रांगली साइंस बता देती हूँ, एरीज लियो सैजिटेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है? आपके पार्टनर जो है अगले 6 घंटों में आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है? मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है और इनका बहुत दिल करेगा आपको कॉल मैसेज करने का। यहाँ पे देखो नाइट ऑफ पेंटाकल से जो कि आपके पास आता हुआ मैसेज, ठीक है? मैसेज आना है, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों का हाय हेलो तो आ ही सकता है, या फिर ये इस तरह से हो सकता है कि ये बार बार सोचेंगे मुझे कॉल करना है, मुझे मैसेज करना है, मुझे जाना है, आपको मिस बहुत ज़्यादा करेंगे, ठीक है? इस रिश्ते में कंप्लीशन लाना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते को पहले जैसा बनाने के बारे में सोचेंगे, ठीक है? जो कि ये ब्रेक थ्रू आप में आ चुका है, दरार आपके इस रिश्ते में आ चुकी है, दरार को वो फिनिश करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? द वर्ल्ड को ब्रेक थ्रू को क्लैरिफाई किया है द वर्ल्ड ने, इसका मतलब ये है कि उन्होंने एक थिंक कर लिया है कि इनको इस रिलेशनशिप में
फिर से स्टार्ट करना है, क्योंकि ये आपको अपनी दुनिया मानते हैं। आपके बिना इनको अपनी दुनिया में बिल्कुल भी चैन सुकून नहीं मिलने वाला है, ये इनको पता चल चुका है। ठीक है, इनका इस तरह से है कि आपको आपको जैसे कि चिट करके गए, ठीक है, आपको हरा के, आपको धोखा दे के, आपको छोड़ के जाने के बाद इनको इस तरह से फील होने लगा था कि यस मैंने तो मतलब लड़ाई जीत ली है। जैसे कि ये देखो लड़ाई जीत के किस तरह से हंस रहा है पीछे देख के, ठीक है, तो ऐसे है इनका, ये आपको ऐसे ही इनका ये इस तरह से महसूस करते थे उस टाइम पे कि मतलब मैंने तो शादी भी कर ली, इन्होंने डेफिनेटली आपके इस रिलेशनशिप में जो है रोमांटिक थर्ड पार्टी लाई है, ठीक है, तो मैंने शादी भी कर ली और मतलब ये भी मुझे कभी नहीं छोड़ेगी, उनको पूरा विश्वास था। ठीक है, अपने आप के बहुत ज़्यादा गुरूर था, मैं जीत चुका हूँ, मेरे पास तो मेरा रोमांटिक थर्ड पार्टी भी है और ये भी है, ये तो कुछ भी हो जाए मेरे लिए इतने पागल है कि मुझे कभी छोड़ ही नहीं सकती, इतना इनको कॉन्फिडेंस था उस टाइम पे। ठीक है, लेकिन जो कि आपने इनसे बातचीत करना बंद कर दिया, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, आपने इस रिश्ते में झगड़े करे, उनको उल्टा सीधा सुनाया, ठीक है, आपके अंदर एक वाइल्ड एनर्जीज गुस्सा पूरा इस तरह से कूट कूट के भर गया ना कि आपने वो सारा गुस्सा इनके ऊपर उतार दिया। ठीक है, आपको इस तरह से आप गुस्से से उनको उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सोचते थे और सोचते सोचते बहुत आपने इनको और ऐसा बुरा सोचते सोचते कि मैं मुझे इसने चीट किया है तो जैसे कि इसका कभी अच्छा नहीं हो सकता, ये कभी चैन सुकून से नहीं रह सकता, इसको भी कोई ऐसे ही चीट करके जाएगा, जिसके साथ गया वो तो इसको कभी मतलब खुश रखेगी ही नहीं, ऐसे आपने बहुत सारी बददुआएं इनको उस टाइम पे दी थी। ठीक है, और वही बददुआएं जो है इनके ऊपर असर करती हुई दिखाई दे रही है और ये भी ऐसे ही सोच रहे, क्योंकि आपने ये जो बोला था ना ये उनको आपने डायरेक्टली बोला था तो ये उन्होंने सुना भी था, तो वही उनको बातें बहुत ज़्यादा वो याद आती है कि इसने मुझे क्या क्या बोला है, कैसे कैसे बोला है और मेरी लाइफ में वो सब कुछ वैसे ही हो रहा है, ना तो मैं मेरे घर में खुश हूँ, ना तो मैं मेरी थर्ड पार्टी के साथ खुश हूँ, और इसको ये भी नहीं समझ में आया कि मुझे इतना विश्वास था इसके ऊपर कि ये मुझे कभी भी नहीं छोड़ सकती, इसका मतलब यह है कि मैं इससे कितना सच्चा प्यार करता था ये इसको पता था, लेकिन फिर भी इसने मुझे इतनी बददुआएं दी, और अगर ये मुझसे इतना प्यार करती थी जैसे कि मैं करता था तो ये मुझे इतना बुरा बोल ही नहीं सकती थी। मतलब इनका थिंकिंग देखो आप कैसे है, इनका ऐसे है कि मैं तुझसे सच्चा प्यार करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने किसी से शादी कर ली है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा प्यार तो तेरे लिए सच्चा नहीं है, मैं तो तुझसे आज भी सच्चा प्यार ही करता हूँ, तो अगर इनका प्यार इतना ही सच्चा था तो अगर इनका प्यार इतना ही सच्चा था आपके लिए उस टाइम पे तो इनको आपसे शादी कर लेनी चाहिए थी, तो इन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, इन्होंने आपको अंधेरे में रख के चीट करके, जैसे कि कोई भी नॉर्मल अगर आपकी जगह पे मैं भी होती तो मैं भी यही सोचती कि इसने मुझे चीट करके अंधेरे में रख के किसी से शादी करी है। ठीक है, लेकिन इनको ये गलत नहीं लगता है, ये अपने आप को बेगुनाह समझते हैं, इनको लगता है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी, मेरा तो मेरे प्यार पे ही भरोसा था, मैं आज भी इसी से प्यार करता हूँ और मैं मरते दम तक इसी से प्यार करूँगा, बस मैं शादी नहीं कर सकता था। हो सकता है कि ये आपसे सच में शादी नहीं कर सकते हो सकता है कि इनके घर वाले आपको स्वीकार नहीं कर सकते हो, इनको इतना इनको पूरा यकीन था, मैं कितना भी इनके लिए आपके लिए स्टैंड अगर ये लेते तो शायद इनके घर वाले आपको कभी स्वीकार ही नहीं कर सकते थे और ये इनको पूरा विश्वास था। ठीक है, या तो आप में जाति का कुछ फ़र्क हो सकता है, पैसों का फर्क हो सकता है, या तो इनके घर वाले बहुत ज़्यादा आपको लाइक ही नहीं करते हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर इनके घर में लव मैरिज चलती ही नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, तो आपने जो भी इनको बददुआएं दी वो आपको नहीं देनी चाहिए थी। और इसी बारे में ये बहुत ज़्यादा अगले 6 घंटों में रिपीट सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जिससे कि इनका माइंड बहुत ज़्यादा इस तरह से हो जाएगा कि अगर इसने मुझे इतनी दिल से बददुआएं दी थी इसीलिए मेरा ये जो मैरिड लाइफ है वो ख़राब हो चुका है, तो अभी जाने दो जैसे वैसे मैं रह लूँगा लेकिन मैं इससे बात नहीं करूँगा। ठीक है, इनका एक दिल करेगा मुझसे बात करना है, आपके लिए एक्शन लेना है, लेकिन दूसरा दिल इनको फिर से दूसरे ही दिल मतलब इनके दिल के इंट्यूशन से इनको पहले इनका दिल बोलेगा इनको मैं बात करना है, मैसेज करना है, कॉल करना है, फिर इनका दिल का इंट्यूशन इनको फिर से बोलेगा नहीं नहीं उसने तुझे कितनी बददुआएं दी, कितना बुरा बोला है इसने, मत ले उसके लिए, उससे बात मत कर, उसके पास मत जा। इस तरह से इनका माइंड जो है अगले 6 घंटों में मुझे कंफ्यूज होते हुए नज़र आ रहा है, दो थॉट्स में कंफ्यूज रहेंगे, मैसेज करूँ नहीं करूँ, स्टार्ट करूँ नहीं करूँ, नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव थॉट्स,
जाना है नहीं जाना है, ऐसे ही कन्फ्यूज रहेंगे, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे आपको। और ये सारा जो कन्फ्यूजन है वो थर्ड पार्टी की वजह से ही है, ठीक है। ये थर्ड पार्टी इनको बिल्कुल भी चैन सुकून से जीना नहीं दे रही, इनका मेंटेलिटी कंप्लीट ख़राब करके रखा है थर्ड पार्टी ने, ठीक है। इनकी रातों की नींदें उड़ चुकी है, बहुत ज़्यादा झगड़े टेंशंस और मतलब क्या ही बोलूँ, बहुत तकलीफ है इनकी मैरिड लाइफ में। यहाँ पे भी टावर का कार्ड है, ठीक है। और इनको ये फील होता है कि जो आपने इनको इतनी बद्दुआएं दी है ना, उन्हीं बद्दुआओं का वही बद्दुआएं जो इनको लगी है, और इसलिए अपने मैरिड लाइफ में खुश नहीं है, ठीक है। ये फिर भी स्ट्रेंथ जमा रहे हैं, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर रहने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ पर रहने के बावजूद इनकी नज़र जो है सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करेंगे, आपके सत्री यूनियन के बारे में भी सोचेंगे, और फिर से जैसे कि मैंने बोला इनके दिल के इंट्यूशन जो है इनको पल पल में गलत गलत, एक बार ऐसा एक बार वैसा, नेगेटिव पॉजिटिव करके इनको अगले 6 घंटों में जो है कन्फ्यूज करते रहेंगे, ठीक है। इनका माइंड जो है कंप्लीट ब्लैंक रहेगा, ऐसा लगेगा कि मतलब मैं तो सच में मतलब किसी काम का रहा ही नहीं हूँ, मेंटल हो चुका हूँ, पागल हो चुका हूँ, और मैं जब तक कि आपके साथ रिश्ता स्टार्ट नहीं होता या फिर जब तक आप इनको दिल से माफ़ नहीं करते तब तक तो ये खुश रह ही नहीं सकते, ये ऐसा सोचने लगेंगे, ये ऐसा सोचने लगेंगे फिर बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यस, ये अगले 6 घंटों के आपके पार्टनर की एनर्जीज है, और जहाँ के मैं आपको, आपका भी क्या करेगा, आपका बहुत दिल करेगा उनको कॉल मैसेज करने का, और आप ना बहुत अपने दिल की इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो, आपके दिल को ना कहीं ये पता है कि ये आपके पास आएंगे ज़रूर, एक बार सॉरी बोलने के लिए आएंगे, आपसे माफ़ी मांगने के लिए आएंगे, कुछ भी, लेकिन ये आएंगे ज़रूर एक बार, ये आपके दिल को अच्छे से पता है। बस आपका ऐसा है कि ये जल्दी आए, बहुत टाइम हो चुका है, बहुत वेट कर लिया, अब तो वापस आ जाए जल्दी, आप इस तरह से हो। आपका खुद का दिल करता है एक्शन लेने का, लेकिन आपने अपने आप को जो है कंट्रोल करके रखा है, ठीक है। आपने यूनिवर्स पे छोड़ दिया है, गोइंग विद द फ्लो, आप जा रहे हो और आप अपने दिल के इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो। आपका दिल आपको बता रहा है कि तू अभी एक्शन मत ले, तू चुप बैठ, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक होने वाला है। तो ओवरऑल ये है एनर्जीज अगले 6 घंटों की आपके पार्टनर की। तो अगर आपको लगा कि यस आपके पार्टनर ऐसा सोच सकते हैं, ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिसके भी साथ जो भी पॉइंट्स रेजोनेट हुए मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि मुझे पता चले किसके साथ क्या कुछ कितने पॉइंट्स रेजोनेट हुए, ठीक है। और यस, पर्सनल रीडिंग के लिए आप डेफिनेटली मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, कॉल मतलब सिर्फ व्हाट्सएप पे हाई करना है, ठीक है, नंबर पे कॉल नहीं करना है। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।